अभी हाल ही में जो नायब तहसीलदार रिटायर हुए ज्ञान सिंह जी, जिन्होंने अभी 20 तारीख को दिल्ली में प्रदेश के प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी, सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी के आशीर्वाद से कांग्रेस को ज्वाइन किया है, जहां इनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं। मेरे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, हमारे जिला के और पदाधिकारी हरीश शर्मा जी, भूमेश सिंगला जी, अनिल जी और अखिल भारतीय राजीव संगठन के अध्यक्ष हिमाचल के महेंद्र जी, हाँ रविंदर जी जो पूर्व में, रविंदर बंसल जो पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, सोलन जिला एससी सर के अध्यक्ष हैं, राजा राम जी जो काउंसलर है, कुनार जी, इन सभी के साथ आपका ध्यान स्वागत करता हूँ। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा ध्यान सिंह जी से कि वो जो भी है अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं उसे जो है वो ये बोले। ध्यान सिंह, सबसे पहले तो मेरी आपको सबको नमस्ते, क्योंकि मेरी आप लाइफ की पहली प्रेस वार्ता है। दोनों प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा आज पहली बार आमना सामना हो रहा है। सबसे पहले मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रानी प्रतिभा जी, शुक्ला जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, रविंद्र सिंह सुक्कू जी, विक्रमादित्य जी आदि का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस परिवार में अपना सदस्य बनाया तथा मुझे शरण दी तथा आज मेरे साथ बैठे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रमेश चौहान जी, प्रदेश चीफ धर्मेंद्र ठाकुर जी, हमारे कसौली विधानसभा के अध्यक्ष श्री ठाकुरदास शर्मा जी व हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रंजना कपूर जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष श्री विपुल जी तथा हमारे एससी सेल के जिला के अध्यक्ष रविंदर बंसल जी, हमारे जिला परिषद सदस्य जो पूर्व में हमारे बीडीसी के भी सदस्य रहे हैं, राजेंद्र ठाकुर जी, हन्नी तनवर जी, ओम प्रकाश जी, भूमेश सिंगला जी और राधा राम एमसी परमाणु से हैं, हरीश जाज जी, महेंद्र जी, सुमित शर्मा जी, मनोज जी और कुणाल जी जो मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में हाजिर आए हैं, इन सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा परिचय, मैं सरकारी नौकरी करता था और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, घर में भी हम 9 तो सके भाई हैं, 4 मेरे चाचे के बच्चे हैं और 2 मेरे ताए के, और मेरी 175 बूटे तो घर की है। मेरी जिंगेश्वर पंचायत पड़ती है, थारूगढ़ मेरा गांव है। सबसे बड़ी बात तो मेरे पिताजी के नानकी भी मेरी कसौली ही कॉन्स्टिट्यूंसी जो दतियार में, और मेरे नानकी भी मेरी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में है जो गडियार और राजपुरी और खील में, और मेरे जितने भी भाई के बच्चे, सबसे बड़े बड़े भाई के बच्चे वो भी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही शादी हुई है उनकी, और मैक्सिमम मेरे ब्रदरों की शादी भी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, एक आदि की कई बात हुई है, बाकी सारे कसौली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा रिश्ता है। और मैंने मेरे पिताजी राजवैद्य थे, राजाओं के टाइम से वैद्य थे और वो भी एक आयुर्वेदिक का काम करते थे, पैसा हमारा आयुर्वेदिक ही रहा। मैंने 89 में अपनी नौकरी शुरू करी और
पटवारी के पद से स्टार्ट की, जो सबसे पहले मैंने बंदोबस्त से स्टार्ट किया, उसके बाद में परवाणु आया, परवाणु से जाबली, जाबली से बड़ोग, बड़ोग से बौली और भोजनगर, उसके बाद कसौली, गढ़कल, धरपुर, घुराड़ी में मैंने एज ए पटवारी कार्य सेवा दी, जिसके कारण मुझे लोगों का बड़ा भरपूर प्यार मिला तथा मैंने लोगों की निस्वार्थ सेवा की, जिसके कारण लोग मुझे बहुत मानते हैं और मैं उनके सुख दुख में भी काम आता रहा और वो मेरे सुख दुख में भी आते रहे। उसके बाद मैंने घुराड़ी से मुझे पदोन्नति मिलकर मुझे बड़ोग सर्कल मिल गया। बड़ोग सर्कल में पटवार खाना बौड़ी, भोजनगर और सारे सोलिको से जैसे के पटवार खाने थे, वो मैं एज ए कानून को काम किया। उसके बाद मेरी पदोन्नति एज ए नायब तहसीलदार भी सोलन में हो गई ईश्वर की कृपा से, जो कि सोलन का बहुत बड़ा पार्ट कसौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, जिसमें क्रम से भारती, देलगी, कमजून, जाबल, झमरोड, हरिपुर, सबाटपुर, देवठी, रणु, बड़ोग, बौड़ी, भोजनगर, ये सात कारखाने पड़ते हैं, जिसमें मुझे लोगों का बड़ा काम करने का मौका मिला। मैंने सबसे पहले 2007 में भी कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन किया था, और जब मैंने आवेदन किया था तो मैंने मेरे से रिजाइन मांग लिया था और मैंने रिजाइन दे दिया था सरकार, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया था मुझे। फिर मैंने 2012 में भी कांग्रेस का टिकट मांगा और उन्होंने 2012 में भी, मेरे साथ और भी लोग थे जिसमें रविंदर बंसल जी भी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी मेरे साथ टिकट मांगा था और जिसमें हमें टिकट मिले, फिर भी हमने कांग्रेस की सेवा की। अब 2017 में भी हमने टिकट मांगा था जिसमें मेरे साथ दो चार बंदे और भी थे, रविंदर बंसल जी थे उसमें और हमारे आजाद जी थे और जगदीश जी थे और दो हमारे साथ महिला भी थी, उन्होंने भी टिकट के लिए मांगा था, लेकिन हम फिर टिकट हमें नहीं दिया गया। फिर भी किसी बंदे ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस कैंडिडेट के लिए कार्य किया। अब भी मैं ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ तथा अब मैं टिकट मांग रहा है, मेरे साथ और भी लोग टिकट मांग रहे हैं जिसमें अरविंद बंसल जी है और एक हमारे मेरे पंचायत से सुकृत जी है, विनोद जी भी है, हम सब कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस से पार्टी से टिकट मांगते हैं और मांगते आए हैं, और भी लोग मांग सकते हैं जिसमें हमारी महिला भी मांग सकती है क्योंकि वो सबका अधिकार है। मैंने नौकरी के साथ साथ लोगों के सोशल एक्टिविटीज में भाग लेता था और लेते आया हूँ, जिसमें मुझे लोगों का बड़ा भरपूर प्यार मिला तथा मैं भी उनके सुख दुख में उनके काम आया। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, जो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो मेरे को 2007 से हर लोग देखते हैं भी आप नौकरी छोड़कर जल्दी हमारी सेवा करने आओ। इस साल तो लोगों ने ये बोल दिया अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपका घर का दरवाजा भी बंद कर देंगे, तो मुझे ज़बरदस्ती वीआरएस लेनी पड़ी क्योंकि मुझे तो अपनी जान बचानी है उनसे और उनके बीच में भी रहना है क्योंकि लोग नहीं तो मेरे को बक्सेंगे नहीं कभी। तो उन्होंने कहा भी आप जल्दी से आओ, मैंने वीआरएस लेकर कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। मेरा घर परवाणु में है, पैतृक घर, मैंने एक घर अपना यहाँ भी कुम्हारा जी के साथ भी डाला है, वो भी कसौली विधानसभा के क्षेत्र में ही पड़ता है, जिसमें मेरे ऊपर नीचे के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सारे, और हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो टिकट मांग रहे हैं, क्या पता टिकट किसको मिले तो पार्टी जाने हाईकमान का, लेकिन इस साल हमारा वादा है कसौली की जो सीट है कांग्रेस की झोली में होगी, टिकट चाहे किसी को भी मिले हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे, अगर जो गए सब हम एक मत होकर, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है भी कोई आजाद उम्मीदवार लड़े या कुछ पार्टी छोड़कर लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा पहले भी रघुराज जी परवाणु से एमएलए बनते रहे हैं, के डी सुल्तानपुरी ऊपर से एमपी बनते रहे, दोनों की जोड़ी अच्छी थी और वो जोड़ी बहुत कामयाब रही और आगे भी क्या पता इसी टाइप का प्रयोग हो। और हमारा वादा है कसौली का जो जिसको भी टिकट देंगे हम कांग्रेस की सीट कांग्रेस की झोली में डालकर देंगे, और क्योंकि मेरा आज पहली बार प्रेस वार्ता है, मेरा भी यही वादा है कि जिसको मर्जी मिले मैं भी उस
आदमी का और जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसकी हम हर प्रकार से मदद करेंगे और कांग्रेस के लिए काम करके कांग्रेस की सीट जिता के देंगे। बाकी मेरा जो अपना व्यक्तिगत है वो लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग मेरे से परिचित भी है, प्रेस बंधु भी परिचित है और भी परिचित है, लोग भी परिचित है और लोग मुझे प्यार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। इस कारण मैंने परित्याग करके कांग्रेस की सेवा करूँगा। बाकी धन्यवाद।